हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी कवर करने वाले हैं अपने आईसीएसई स्पेसिमेन पेपर मैथ्स वाला 2025 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, अ मैन बायज 250 10 रुपीज़ शेयर्स ईच एट रुपीज़ 12.50। 12.50 क्या है और 10 रुपी क्या है? ये नॉमिनल वैल्यू है और ये मार्केट वैल्यू है। नंबर ऑफ शेयर्स गिवेन है। फर्स्ट पार्ट में डिविडेंड ही रिसीव्स एनुअली, यानी एनुअल डिविडेंड बताना है आपका। रेट ऑफ डिविडेंड भी गिवन है, सिंपली फार्मूला अप्लाई करके आ जाएगा। बी पार्ट है, परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, यानी इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब सम इन्वेस्टेड कितना होगा? मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो वहाँ से रिटर्न परसेंट आपका आ गया। सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए आपको यहाँ पे नंबर लाइन भी बतानी है। तो यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन सेट आ रहा है वो आ रहा है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -9 एंड लेस देन 7/2। तो उसको हम लोग यहाँ पे लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। थर्ड पार्ट ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। प्रूविंग है यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा, ये आपको बताना है RHS के बराबर होगा। तो सबसे सिंपलेस्ट वे है, यहाँ पे अगर हम कोसेक और सेक को चेंज कर लें साइन और कॉस में, और उसके बाद आप यहाँ पे LCM लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मेट, विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे क्योंकि एलिमिनेट करना पड़ेगा, आपको यहाँ कोसेक थीटा सेक थीटा चाहिए। अब अगले स्टेप में हम लोग ने कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उससे क्या होगा? अब यहाँ पे अलग अलग जब ब्रेकिंग होगी तो एक तरफ आ जाएगा कोसेक थीटा सेक थीटा, और दूसरी तरफ से देखिए 2 एज इट इज़ रहेगा, साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज़ 10 थीटा। ऑल राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन द गिवन फिगर ड्रॉन नॉट टू स्केल कॉल्ड ए डी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट पी। ए बी की लेंथ गिवन है, पी बी गिवन है और पी डी भी गिवन है। प्रूव दैट ट्राइंगल सो एंड सो आर सिमिलर। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ एंगल इन द सेम सेगमेंट लगा सकते हैं। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा बाय एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो ये क्या होगा? बाय एंगल एंगल पोस्टुलेट ये प्रूव हो गया सिमिलर। फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। सी डी की लेंथ बतानी है, इसका मतलब सबसे पहले तो आपने जो ट्राइंगल्स को सिमिलर किया उसका रेशियो लिख लीजिए। ए बी अपॉन सी पी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी डी, ऐसा लिख लिया। अब जो वैल्यूज आपको गिवन है वो पुट करके आप यहाँ से आसानी से सी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी डी। तो अब हम लोग दो कोई भी साइड्स के रेशियो का स्क्वायर कर देंगे तो ए बी अपॉन ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर से ये आ जाएगा। ऑल राइट, सिंपल है। सेकेंड पार्ट है, मिस्टर समीर हैज़ अ आर डी अकाउंट एंड डिपॉजिट्स रुपीज़ 600 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। टाइम गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है और मैच्योरिटी वैल्यू भी गिवन है। आपको सिंपली यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है? वैल्यूज सारी पुट करिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 8%। क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट, यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड फाइंड द मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ यू अपॉन समेशन ऑफ एफ इंटू आई। तो यहाँ पे हम लोग ने 52.5 को अज्यूम मीन ले लिया, इससे सभी को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो डेविएशन मिलता है, और डेविएशन को जब आई से यानी कि क्लास साइज से डिवाइड करा तो हमें क्या मिलेगा? यू की वैल्यू मिल जाएगी। ऑल राइट, तो ये क्या हो जाएगा? एक स्टेप डेविएशन हो गया। फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फिर एफ इंटू यू करके समेशन ऑफ एफ यू और समेशन ऑफ एफ आ गया। क्वेश्चन 6 पे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। हैंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू ए बी। सबसे पहले तो सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है? ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन अपॉन 3 और ए टू प्लस बी टू प्लस सी टू अपॉन 3। यहाँ से आपका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आ गया।
ऑल राइट। अगर ये कोई ट्राइंगल है तो ये इसका सेंट्रॉइड। देन उसके बाद पूछा है हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू ए बी। एक लाइन है जो पॉइंट पी यानी सेंट्रॉइड से पास हो रही है और ए बी के पैरेलल है। ए बी के पैरेलल है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। अगर ए बी का स्लोप पता है, ए बी का स्लोप आसानी से आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन करने से, तो वही सेम हो जाएगा स्लोप ऑफ दिस लाइन। लेट कर लेते हैं, इसका नाम है क्यू आर। इसका स्लोप पता चल गया, ऑल्सो हमें एक पॉइंट भी पता है जो कि है सेंट्रॉइड का ही पॉइंट, तो हम आसानी से इक्वेशन ऑफ लाइन इसकी निकाल सकते हैं। सेकेंड पार्ट है इन द गिवन फिगर पी टी इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल एंड कॉर्ड बी ए प्रोड्यूस मीट्स द टेंजेंट एट पॉइंट पी। ठीक है, पी टी की लेंथ आपको गिवन है, पी ए की लेंथ भी गिवन है। आपको सबसे पहले प्रूव करना है कि ट्राइंगल पी टी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल प्रूव करना है सिमिलर है ट्राइंगल पी ए टी के। कैसे सिमिलर होगा? एक तो आपको मिल गया एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और इसके अलावा एंगल पी इज कॉमन इन बोथ, तो यहाँ एंगल एंगल पोस्टुलेट से हो गया। आगे आपको बताना है लेंथ ऑफ ए बी, तो आपको पता है पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है। आपको पी ए की लेंथ पता है, पी बी की लेंथ क्या हो जाएगी? पी बी की लेंथ हो जाएगी आपकी पी ए प्लस ए बी। पी ए की लेंथ ऑलरेडी आपको पता है, वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। पी टी की लेंथ भी पता है तो यहाँ से आ जाएगा ए बी विल बी 9 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट है यहाँ पे जीएसटी का बिल आपको निकालना है, और आइटम्स गिवन है, उनके मार्क प्राइस गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, रेट ऑफ जीएसटी गिवन है, तो हमें टोटल अमाउंट टू बी पेड इंक्लूडिंग जीएसटी निकालना है। पहले आप डिस्काउंटेड अमाउंट निकाल लीजिए, उन सभी का रिस्पेक्टिव जीएसटी भी निकालते जाइए साथ साथ। ये आपका अमाउंट है डिस्काउंट के साथ, उसका जीएसटी है। यहाँ पे कोई यहाँ पे डिस्काउंट नहीं था तो इसी पे जीएसटी लगेगा। बेकरी प्रोडक्ट पे 500 मार्क प्राइस है, 10% डिस्काउंट हो गया यानी कि 450, और इस पर फिर 12% का जीएसटी। सभी को ऐड कर लेना है, इन सभी वैल्यूज़ को हम लोग ऐड कर लेंगे तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा 2036.30। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वर्टिकल टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैगस्टाफ एट अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशंस आर 54 एंड 42 रिस्पेक्टिवली। फ्लैगस्टाफ का बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है आपको। आपको ये वाली लेंथ एक तरह से निकालनी है और आपको ये गिवन है 100 मीटर डिस्टेंस। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है, यानी टेन की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। टेन 42 इज ए बी अपॉन, देखिए टेन 42 इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है ए पी बी में या पी ए बी में, तो ए बी अपॉन पी ए टेन 42 वैल्यू आप यहाँ से टेबल से देख के निकाल लीजिए, तो ए बी की लेंथ आ गई। ऑल राइट, इसी तरह हम लोग ए एफ की लेंथ निकालेंगे 10 54 लगा के, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बी एफ या एफ बी की लेंथ मिल जाएगी इन नियरेस्ट मीटर्स। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। द मार्क्स ऑफ 200 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। यहाँ पे आपको ग्राफ शीट का यूज़ करके ओजाइव बनाना है। ऑल राइट, आप ओजाइव अपना बना लीजिएगा और आपका डेटा इससे मैच करना चाहिए। देखिए सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका। सबसे पहला मीडियन निकालना है, मार्क्स गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है सभी का, फ्रीक्वेंसी गिवन है। जब भी मीडियन की बात होती है तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते करते। ऑल राइट, 12 में 11 ऐड किया, फिर 23 में 20 ऐड करा, तो फाइनली आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 200। तो सबसे पहले मीडियन निकालना है। मीडियन क्या हो जाएगा? एन बाई 12th टर्म यानी कि 100th टर्म। तो अपने ग्राफ पेपर पे देखिएगा, 100 टर्म अगर आप y एक्सिस से ले जाएंगे तो x एक्सिस पे वो कहाँ पे मीट करना चाहिए? कुछ इस तरह से, यहाँ से आप ले जाएंगे ओजाइव के थ्रू
वो जिस पॉइंट पे भी मीट करेगा उससे हम लोग एक्स एक्सिस वाली पॉइंट की यहाँ पे वैल्यू बताएंगे। तो क्या हो जाएगा मीडियन 54, 55 भी हो सकता है, किसी किसी का 53 भी आ रहा है। बी पार्ट, मोर देन 65% मार्क्स। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स मोर देन 65% है, तो इसकी मेरी वैल्यू आ रही है टोटल 200 है, उनमें से हम लोग ने 153 पे ये पॉइंट गया है मेरा, तो वैल्यू आ जाएगी सब्ट्रैक्ट करने पे 47 स्टूडेंट्स जिनके 65 से अबव है मार्क्स। अगले पार्ट में पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो डिड नॉट पास इफ द पास परसेंटेज वॉज 35। तो 35 वाले कॉलम से हम लोग लेके जाएंगे ग्राफ को, तो कितने पास नहीं हुए, 30 स्टूडेंट्स डिड नॉट पास। क्वेश्चन 8 इज इन अ टीवी शो कंटेस्टेंट ऑप्ट्स फॉर अ वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफ लाइन टू गेट एन आंसर फ्रॉम थ्री ऑफ हिज फ्रेंड्स नेम अमर अकबर एंड एंथनी। द क्वेश्चन विच ही आस्क्स फ्रॉम वन ऑफ हिज फ्रेंड हैज़ फोर ऑप्शंस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अकबर इज चोजन फॉर द कॉल। अब यहाँ पे तीन लोग हैं, उसमें से अकबर को चूज किया जा रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन टोटल, टोटल इज 3। सेकेंड है अकबर कुड नॉट गिव द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर नहीं दे पाया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, एक ही करेक्ट होगा बाकी सभी इनकरेक्ट, यानी 3 इनकरेक्ट रहेंगे, तो 3 अपॉन 4 या 3 आउट ऑफ 4 ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट आंसर। सेकेंड पार्ट इसका प्रपोर्शन से पूछा गया है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड लिखा जा सकता है। सब्सटीट्यूट करिएगा इसको वाई स्क्वायर की जगह, तो सिंप्लीफाई करने पे आपको LHS और RHS बराबर मिल जाएगा। थर्ड पार्ट इसका है वॉल्यूम ऑफ 3D फिगर्स से अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रिपेयर्स स्फेरिकल बॉल बेयरिंग ईच ऑफ रेडियस सो एंड सो। इसका रेडियस गिवन है, मास गिवन है। दीज बॉल बेयरिंग्स आर पैक्ड इन टू बॉक्सेज, ईच बॉक्स हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2156 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बॉल बेयरिंग। बॉक्स का भी कैपेसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल बेयरिंग्स दैट ईच बॉक्स कैन हैव। ऑल राइट, तो एक बॉक्स में कितनी बॉल्स आ सकती हैं, सबसे पहले तो टोटल वॉल्यूम गिवन है, और हम वॉल्यूम ऑफ वन बॉल भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये स्फेरिकल बॉल्स हैं, तो 4/3 πr³ लगेगा, तो आ रहा है आपका आंसर 1500। ऑल राइट, सेकेंड पार्ट इज मास ऑफ ईच बॉक्स ऑफ बॉल बेयरिंग्स इन kg। तो एक का आपको गिवन है 4 ग्राम, तो 1500 का कितना हो जाएगा, 4 × 1500 विच इज 6000, लेकिन 6000 ग्राम्स है, उसको kg में कन्वर्ट करना है, तो 6 kg हो जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेबल गिवन है जिसमें ओवर और रन स्कोर्ड है, ये आपको पता है, और आपको क्या करना है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटिंग द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सिंपल है, हिस्टोग्राम आपको बनाना है, उसके बाद मोड बताना होता है क्योंकि हिस्टोग्राम से मोड ही बताया जाता है। उसका बताने के लिए आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो बार है उसको देखना है, उसमें आप लोग यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करते ही जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं वहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो एक्स एक्सिस पे मीट करेगी, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट है वो आपका आंसर हो जाएगा। मॉडल रन्स इज 58। सेकेंड पार्ट है AP हैज़ 3 एज इट्स फर्स्ट टर्म। एक AP है जिसका पहला टर्म है 3, द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स इज ट्वाइस द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। ऑल राइट, आपको यहाँ पे सिंपली वैल्यूज पुट करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। उसके बाद क्या होता है फॉर्मूला सम का, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 × d। ये इनफाइनाइट सीरीज के लिए, अगर फाइनाइट है तो क्या होगा, n/2 a प्लस l। थर्ड पार्ट इज b² - 4ac इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि रूट्स अगर इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट अगर हम निकालेंगे यहाँ पे, तो सॉल्व करने पे आपको जो वैल्यू मिल रही है, जो इक्वेशन मिल रही है, वो आपको प्रूव करनी है कि प्रूव दैट 2q इज इक्वल टू p+r। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए आप किसी और वेरिएबल से इसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। तो फाइनली p+r आ गया 2q के बराबर, विच मीन्स दैट p, q एंड r आर इन
एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट लग गए, एक डिस्क्रिमिनेंट वाला भी और एक एपी वाला। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 72 किलोमीटर एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा? 72 अपॉन एक्स, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्मूले से। एंड देन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 81 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द ओरिजिनल एवरेज स्पीड, ओरिजिनल एक्स थी, तो यहाँ से T2 टाइम आ गया। पूरी जर्नी में इसको लग रहे हैं कितना? 3 आवर्स, तो दोनों को ऐड किया, 3 के बराबर इक्वेट कर देंगे, तो फाइनली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करना है। नेगेटिव वाला एक्सक्लूड कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा था आपसे? ओरिजिनल एवरेज स्पीड विच इज़ एक्स 48 किलोमीटर पर आवर। ऑल राइट, सेकेंड पार्ट देखते हैं। मैट्रिक्स गिवन है, एक्स और आई गिवन है, आपको कुछ प्रूव करना है। तो एक्स स्क्वायर निकालने के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर 4x और 5y निकाल लीजिए, LHS और RHS इक्वेट करना है एक तरह से। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10th का, और ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, टेक स्केल ऑफ 10 मीटर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ऑल राइट, अ पार्क इन अ सिटी इज बाउंडेड बाय स्ट्रेट फेंसेस ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। एक पार्क है, वो इस तरह से फेंसिंग है उसकी, उसकी बाउंड्रीज गिवन है, ए बी की लेंथ गिवन है, बी सी गिवन है, एंगल ए बी सी भी गिवन है। सबसे पहले इन्होंने बोला डी इज़ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फेंसेज ए बी एंड बी सी। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एंगल ए बी सी। ये ध्यान रखना है आपको, ए बी की लेंथ कितनी रहेगी? 50 मीटर्स, और बी सी की लेंथ कितनी रहेगी? 63 मीटर। अब 50 मीटर्स तो हम लोग स्केल पे बनाएंगे नहीं, क्या बनाना है? 50 मीटर्स हो जाएगा 5 सेंटीमीटर के बराबर, और 63 क्या हो जाएगा? 6.3। तो ये 6.3 है लेंथ सेंटीमीटर्स में, और ये 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बताना है डी इज़ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फेंसेज ए बी एंड बी सी, यानी कि एंगल बाइसेक्टर बनाना है आपको, 75 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर बनाना है। इफ एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, विच मीन्स आप इधर से भी कंस्ट्रक्शन करेंगे और एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कंस्ट्रक्ट द आउटलाइन ऑफ द पार्क ए बी सी डी। बस उसके बाद क्या करना है आपको, सीधे इन सभी को ज्वाइन कर लेना है पॉइंट्स को। ऑल्सो लोकेट अ पॉइंट पी ऑन द लाइन बी डी फॉर द फ्लैग पोस्ट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ पार्क ए एंड बी। पार्क के कॉर्नर हैं ए बी, इनसे जो इक्विडिस्टेंट पॉइंट होगा वहाँ पे फ्लैग लगाना है। तो क्या हो जाएगा वो पॉइंट? इट विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। ऑल राइट, तो इस तरह से आपका फिगर बन के आएगा। ये आपका पार्क का पूरा एरिया है और यहाँ पे फ्लैग पोस्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन में, किसी भी पार्ट में डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।